बनेगा करोड़पति के सीजन 16 हाल ही में शुरू हुआ है। अमिताभ बच्चन के शो को होस्ट करने से ये काफी लोकप्रिय हो गया है। इस शो में इसकी थीम है जिंदगी है, हर मोड़ पर सवाल पूछेगी, जवाब तो देना ही होगा। शो में कई तरह के कंटेस्टेंट हिस्सा लेते हैं और सवालों का जवाब देकर बड़ी रकम जीतकर अपने घर जाते हैं। पिछले दिनों सामने आए प्रोमो में राजस्थान की एक कंटेस्टेंट को 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देते हुए दिखाया गया। 27 साल की नरेशी मीणा राजस्थान के सवाई मधोपुर की रहने वाली है और ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। नरेशी मीणा केबीसी 16 में ऐसी पहली कंटेस्टेंट होंगी जो 1 करोड़ के सवाल तक पहुंची हैं। उनकी जर्नी के बारे में आज रात प्रसारित होने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। नरेशी बताती हैं कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है और सर खुद को मैं यही बताती हूं कि तुझे कोई भी बीमारी नहीं है। इस पर अमिताभ बच्चन उनसे कहते हैं कि आपने ये ठान लिया है तो ये धनराशि यहाँ से जीत कर जाएंगे तो इसका इलाज हो सकेगा। प्रोमो का कैप्शन दिखाया गया कि क्या आपने खुद के इलाज के लिए नरेशी इस मंच से 1 करोड़ रुपए जीत पाएंगी। देखिए कौन बनेगा करोड़पति। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित नरेशी महिला सशक्तिकरण विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है और महिलाओं की और लड़कियों को उनके लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने में दृढ़ संकल्प है। केबीसी पर अपने नेक काम को शेयर करके नरेशी को उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा सकेंगी। नरेशी मीणा का कहना है कि केबीसी के जो भी अमाउंट वो जीतेंगी उसकी मदद से वो अपनी बीमारी का इलाज करवाएंगी और अपनी माँ की कीमती ज्वेलरी को वापस लाने की कोशिश करेंगी जो कि उनके लिए काफी इमोशनल जगह रखता है। वहीं नरेशी के पिता के बारे में बात करें तो वे एक साधारण किसान हैं और उन्होंने बेटी को हमेशा ही एजुकेशन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। केबीसी में हॉट सीट पर नरेशी 50 लाख के सवाल का सही जवाब देती हैं, इसके बाद वो 1 करोड़ के सवाल का सामना करती हैं। और अब एपिसोड में देखना होगा कि क्या नरेशी जीत पाएंगी 1 करोड़ की राशि और अपने इलाज के लिए अपना मकसद कर पाएंगी पूरा। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।